कमाने की कामना हर कोई रखता है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे धन का मोह ना हो। हालांकि बचत करना भी बहुत जरूरी है, लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोग ऐसे हैं जो इतने धन की कामना तो करते हैं कि ताकि वे बिना किसी परेशानी के खुल के खर्च कर सके। माता लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है, इसलिए यह स्वतः ही माना जाएगा कि देवी लक्ष्मी को प्रसन्न कर धन प्राप्ति की चाहत को पूरा किया जा सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी राशि भी इस मामले में महत्वपूर्ण साबित होती है? प्यारे दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार 12 राशियां और 9 ग्रह होते हैं जो आपके जीवन पर अपना प्रभाव डालते हैं। धन के मामले में ये सभी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे। हर राशि का होता है अपना इष्ट देव। दरअसल ग्रहों के आधार पर आपकी राशि निर्धारित होती है और हर राशि का एक इष्ट देव होता है जिसे प्रसन्न कर आप धन से जुड़ी अपनी समस्या को सुलझा सकते हैं। आपको इन्हीं इष्ट देवों और उनसे जुड़े कुछ मंत्रों से परिचित करवाएंगे जो इस मामले में आपकी काफी सहायता करेंगे। मेष राशि। मेष राशि मंगल ग्रह से संचालित होती है। इस राशि के जातकों के जीवन में अगर परेशानियां आती हैं तो उन्हें हनुमत आराधना करनी चाहिए। इसके लिए उनको इस मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम हनुमते नमः का नित्य जाप इनकी सभी परेशानियां सुलझा सकते हैं। वृषभ राशि। शुक्र ग्रह के प्रतिनिधित्व वाले वृषभ राशि के लोग कुछ ज्यादा ही भोग विलासी होते हैं। धन संबंधी किसी भी परेशानी के चलते इन्हें दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। निश्चित रूप से यह लाभदायक होगा। वृषभ राशि के जातकों को प्रतिदिन ओम दुर्गा देव्य नमः का जाप करना चाहिए जिससे उनकी सभी परेशानी समाप्त हो जाएगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि के लोग बुध ग्रह से संचालित हैं। भगवान गणेश की आराधना कर ये लोग यश और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इनको ओम गण गणपते नमः का जाप करना चाहिए जो इनके लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा। कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी चंद्र ग्रह होता है जो स्वभाव से बेहद चंचल है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान शिव चंद्रमा के राजा हैं, इसलिए आपको भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय का नित्य जाप आपकी धन संबंधी परेशानियों को हल करता है। सिंह राशि। सूर्य को सिंह राशि का स्वामी माना गया है। जीवन में आ रही किसी भी परेशानी का समाधान सूर्य की उपासना से प्राप्त किया जा सकता है। इस राशि के जातकों को नित्य ओम सूर्याय नमः का जाप करना चाहिए। कन्या राशि। मिथुन राशि की ही तरह कन्या राशि का स्वामी भी बुध ग्रह है। आपके लिए गणेश आराधना फायदेमंद है। ओम गण गणपते का जाप अवश्य करें। तुला राशि। तुला राशि का स्वामी भी शुक्र ग्रह है। आपके लिए देवी लक्ष्मी की आराधना फलदायी है। इस राशि के लोगों को नित्य ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करना चाहिए। वृश्चिक राशि। मंगल ग्रह के प्रतिनिधित्व वाले वृश्चिक राशि के लोगों को हनुमत आराधना करनी चाहिए या उनकी हर पीड़ा हर दुख को दूर करेगी। ओम हनुमते नमः का जाप आपकी शारीरिक और मानसिक पीड़ा को समाप्त करेगा। धनुराशि। धनुराशि का संबंध बृहस्पति ग्रह से है। इनके लिए भगवान विष्णु की पूजा शुभ होती है। ओम श्री विश्वनवे नमः का जाप आपके जीवन की परेशानियों को हल करेगा। मकर राशि। मकर राशि का स्वामी शनि ग्रह, इसलिए आपको शनि देव या हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। ओम सम शनिश्चराय नमः का जाप आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। कुंभ राशि। शनि देव के प्रतिनिधित्व वाली कुंभ राशि के जातकों के लिए भगवान शिव की आराधना फलदायी साबित होती है। आपको रोजाना सुबह 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। मीन राशि वाले लोग। बृहस्पति ग्रह के प्रतिनिधित्व वाली इस राशि के लोगों को भगवान नारायण का ध्यान और उनकी उपासना करनी चाहिए। ओम नारायणाय नमः एवं ओम गुरुवे नमः का नित्य दिन आप जाप करेंगे तो आपकी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो भी, और अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद नहीं आया तो भी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर कमेंट करें और उम्मीद करेंगे कि आप अपनी सभी समस्याओं को हमसे साझा करेंगे और जो आपको कोई जानकारी हो वो भी हमसे साझा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।